दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब माँ की अमीर बेटे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मोहन नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी श्वेता और बेटा रोहित के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता था। मोहन बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग अलग तरीके के दरवाजे, खिड़कियाँ और कुर्सियाँ बनाता था। सब लोगों को उसकी बनाई हुई चीजें बहुत पसंद आती थी। मोहन का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन मोहन रोहित को तो पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगता है। तभी काम खत्म करके मोहन घर आ जाता है, तो रोहित को रोते हुए देख मोहन रोहित से कहता है, क्या हुआ रोहित, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? श्वेता रोहित की बताई हुई सारी बातें मोहन को बताती है। तब मोहन रोहित से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना। अब हम पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तभी श्वेता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है। उसे देखकर रोहित श्वेता से कहता है, मैं ये रोटी चटनी नहीं खाऊंगा, मुझे चटनी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो, भूखे पेट ही रह जाओ। घर में कोई सब्जी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊंगी? तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग बनाकर खाएं। रोहित अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से खाना खा लेता है। फिर मोहन रोहित को साइकिल पर बिठाकर जहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसी वक्त उनके सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है। मोहन और रोहित गाड़ी की तरफ देखते हैं। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, अरविंद। अरे, पापा के ट्रांसफर की वजह से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। हम बचपन में साथ खेलते थे, क्या तुम सब भूल गए? अरे चलो, हमारे साथ हमारे घर में चलो। उसी वक्त अरविंद का बेटा प्रियंक गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और अरविंद के पास जाकर अरविंद से कहता है, डैड, ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे बेटा, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये उनका बेटा है मोहन, ये मेरा बेटा प्रियंक है। चलो अब मेरे साथ घर चलो। अरे अरविंद, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अरे अरे, बिल्कुल नहीं, यही तो रहा मेरा घर, चलो अंदर। मोहन कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अरविंद के घर के अंदर चले जाते हैं। अरविंद का घर इतना बड़ा और सुंदर था कि मोहन और रोहित घर को बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर अरविंद का नौकर आता है। हरी, मोहन के लिए चाय और रोहित के लिए जूस लेकर आओ। उसके बाद नौकर चाय और जूस लेकर आता है और मोहन को चाय और रोहित को जूस देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त प्रियंक अरविंद से कहता है, डैडी, आज पढ़ाई करवाने की बारी आपकी है, आप मुझे ये मैथ का प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व करवा दीजिए ना। अरविंद मोहन और रोहित को लेकर प्रियंक के कमरे में लेकर जाता है। प्रियंक का कमरा बहुत ही बड़ा था, जितना मोहन का घर था उतना बड़ा प्रियंक का कमरा था।
जहाँ पर बड़े बड़े खिलौने, नई नई किताबें, लैपटॉप्स और कंप्यूटर रखे हुए थे, जो देखकर रोहित चौंक जाता है। प्रियंका अपना लैपटॉप स्टार्ट करता है। डैड, मुझे लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। रोहित बेटा, तुम भी आओ। रोहित प्रियंका के लैपटॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लैपटॉप देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में मोहन और रोहित अपने घर लौट जाते हैं। घर जाते जाते रोहित मोहन से, पापा मुझे भी प्रियंका जैसा ही लैपटॉप चाहिए। बेटे, हमारी लैपटॉप खरीदने की हैसियत नहीं है, हम दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तुम्हें नया लैपटॉप कहाँ से लाकर दूँ? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। मोहन पास की ही दुकान में जाता है और दुकान से पुराने एक साइड से प्लेन कुछ पेपर इकट्ठा करके लाकर उसे दे देता है। पिताजी, ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करूँ? बेटा, तुम इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, हमारे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो, यही तुम्हारा लैपटॉप होगा। अपने पिताजी की बात सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है। अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और एक बड़ा आदमी बनूँगा। अब घर जाकर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर मोहन रोहित से कहता है, रोहित उठो, चलो तुम आज मेरे साथ काम पर आना चाहते थे ना? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं भी अरविंद अंकल जैसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे साथ साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके बाद रोहित अपनी पढ़ाई जी जान लगाकर करता है। अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में रोहित को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप मिलते ही रोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर रोहित अपने पापा से कहता है, पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है, अब मैं इस स्कॉलरशिप से कंप्यूटर खरीदूंगा। रोहित की मेहनत देख मोहन और भी ज्यादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिलवाता है। अब रोहित को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है। उसके मन लगाकर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके माँ पिता जी भी अब बहुत खुश थे। और कुछ सालों बाद रोहित पढ़ाई करके एक अच्छा और बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके पास बड़ा घर, गाड़ियाँ और सब कुछ था। फिर वो अपने सपनों के साथ साथ अपनी माँ और पिताजी के सपनों को भी पूरा करता है। फिर ये कहते हैं, जिसने की पढ़ाई उसने अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जिंदगी बनाई, और जिसने ना की पढ़ाई उसने दूसरों की भैंस चराई। अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान ना देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते, मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी।
इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देखरेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं, शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अमिता बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नज़र में एक लड़का है विराट, और वो बहुत अमीर है, उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे, उम्र भी ज्यादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है, उसके दो बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है, चल तू परी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके दो बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो ना माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, नई माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया और आज मेरी शादी तो कहाँ चली गई माँ, अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे दो बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो, जो दुख तूने झेले हैं वो दुख इन बच्चों को मत होने देना, आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके
इन बच्चों को एक माँ मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है। माँ का प्यार क्या होता है ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, वहीं शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती, मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी। ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ, वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में कहती है, अरे माँ, मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है, और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है, तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है और घर ले जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो, और तुम्हारी ये हालत किसने करी है, और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल। परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देखकर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है, और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।